मैं ये कम है, एक सेकंड पूरा सवाल सुन, नौकरियां कम है, तनख्वाहें घट रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, अब बताइए क्या करें? एक्टिंग है। इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि देश आगे बढ़ रहा है। कह रहे जी आप बहुत ठीक है। देश में जो इकोनॉमिक अभी इन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में, बिल्कुल आज आरबीआई ने जो दिया, यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान आइसोलेशन में हो तो आप बात करें, पूरी दुनिया में देखे के बाद में उन्होंने रीअसेस किया है वहाँ की जो भी जो रिजर्व बैंक है वहाँ पर, जो भी वहाँ पर सेंट्रल, अरे कहना क्या चाहते हो, बैंक है, रीअसेस किया है और हर जगह जो है, चूंकि यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, लोगों ने अपना ग्रोथ जो फोरकास्ट था उसको कम किया है, इन्फ्लेशन बिल्कुल, चूंकि जो जिस कंट्री में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं या और चीजों के दाम सीजनल फैक्टर्स के बढ़े हैं, लेकिन फोरकास्ट अगर आज के देखे हुए देखिए तो गुजरात के चुनाव के पहले थोड़ा सा कम करें आज, जुम्करो। आप आरबीआई के लिए इलेक्शन छोड़िए, आरबीआई का आज जो नाकरा है 6.09 है, 7 है जो सीपीआई इंडेक्स, और फोरकास्ट जो उन्होंने भी कहा फोरकास्ट जो है 5% से 5.5% के आसपास है, मतलब आगे जो है वो इन्फ्लेशन जो महंगाई दर कम होने वाली है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ जहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का दाम है, अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे, चलिए ये हम सरकार सेंसिटिव है, आदरणीय प्रधानमंत्री इसके बारे में चिंतित है, और इसलिए मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि पेट्रोल के दाम ज्यादा नहीं बढ़ने वाले बल्कि कम होने वाले। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अंजना जी बड़ी जिम्मेवारी से एक आंकड़ा दे रहा हूँ जो कैलकुलेट करके लाया हूँ, सिद्धार्थ जी जानकार, अगर गलत बोलूं तो इनसे कहिएगा बीच में टोकिएगा। पिछले 15 दिन में जो 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और 10 रुपए प्रति किलो जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उससे प्रति वर्ष हिंदुस्तान के लोगों पर एडिशनल भार 1.5 लाख करोड़ का पड़ रहा, 1.5 लाख करोड़। पर ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप बेरोजगारी को अपने चरम पर पहुंचा रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो तो कौन करेगा, स्टेट पर। 3 काले कानून अगर लाने हो जो कि कृषि जो कि स्टेट का विषय वस्तु है, वो सेंटर बना देगा बिना स्टेट से पूछे। मैं इनको रोज टीवी पे भी बोलता हूं, आज आपके माध्यम से एक सकारात्मक सुझाव भी दे रहा हूं, जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आ जाओ भाई अपने स्टेट को बोल दीजिए। अरे भाई धोती तो आप ही के लोग हैं। आप बोल दीजिए ना, तो आप ही के लोग हैं जहाँ जहाँ, और आपको जरूरत ही नहीं है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन वित्त मंत्री होती है, 2/3 मेंबर इनके हैं, 2/3 मोहम्मद से ले आओ ना, आपको तो किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो? देखिए इन्होंने राज्य और केंद्र के टैक्स की बात कही, जफर इस्लाम साहब अच्छी तरह जानते हैं बात दूसरी की डाइवर्ट करने। केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्सेस का प्राइमरी पोर्शन लेती है, राज्य सरकारें सेकेंडरी टैक्सेस लेती हैं, उनके टैक्स का बहुत कम नेटवर्क होता है, उनकी बहुत सारी मजबूरियां, इनकी मजबूरियां नहीं है, ये लूट लेंगे, सेस लगा देंगे, सेस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 4% टैक्स है मेरे इनकम टैक्स पे, जो इन्होंने पहले 1.5% से 4 किया हुआ है, उसको भी कैलकुलेट कीजिए, वो भी महंगाई के आंकड़े को बढ़ाता है। कृपया करके इस चीज को इनको बताइए कि ये क्यों ऐसा बार बार करते हैं। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एमबीए में, आपको एक पेपर है बकायदा माइक्रो मैक्रो दोनों का, उसमें आप पढ़ लीजिए इस बात को। Okay. क्योंकि आपको चाहिए वोट, नहीं नहीं इसीलिए रोजगार, सर रोजगार नहीं है ना। अरे भाई आप, ये फ्रीबीज बांट रहे ना आप लोग, ये पेट्रोल कोई अपने घर से दे रहे थे सस्ता, ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।